नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर सरपंच को बताया जा रहा है कि यहाँ पर तस्करी में गिरफ्तार कर लिया गया। सर्च में 2 पैकेट मिले हैं। जानकारी में सामने आ रहा है कि राजस्थान से 9 करोड़ का उनके पास नशा पहुँचा है। कार में टायरों के बीच बना रखा था सीक्रेट बॉक्स, जहां पर उन्होंने यहां पर रखा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर की CID क्राइम ब्रांच की टीम ने देर रात 9 करोड़ का नशे के सामान को गिरफ्तार कर लिया, आरोपी के साथ जब्त किया है। लखनऊ से तस्करी कर राजस्थान लाई गई, जहां 2 बरा में पकड़ी गई और नशे के इस सामान को कार के टायरों के बीच बने एक सीक्रेट बॉक्स में छिपा कर रखा गया था। 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि पूर्व सरपंच के लिए इसमें की तस्करी करने की जानकारी दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक नाकाबंदी से कुछ ही दूर पहले हाईवे से अलग खड़ी झारखंड नंबर की स्विफ्ट कार को पकड़ा। कार में सवार ड्राइवर इकबाल खान और उसके साथी भरत कुमार नागर को पकड़ा है। सख्ताई में पूछताछ से खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक यहां पर तलाशी लेने पर दोनों के पास 10,000 रुपये और मोबाइल मिले हैं। कार की तलाश में कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली। कार सवार दोनों को युवक घबराए हुए थे। बारीकी से पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि सरपंच के लिए तस्करी का सामान जा रहा था। फिलहाल पुलिस पूछताछ में सामने आएगी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इसमें खरीदकर राजस्थान लाई जा रही थी। 12 के गांव उपाखेड़ी सुनेल निवासी भूतपूर्व सरपंच भगवान नागर के लिए तस्करी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। तो दोस्तों, प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल पर। नए विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।